मेरे पास थ्रो बॉल है और मैंने 3 नेशनल खेले हैं एट प्रेजेंट. दो में मेरे गोल्ड हैं, एक में पार्टिसिपेशन है. सिर्फ ये सब पिताजी के करके है. मेरे को कुछ नहीं आता था, मेरे पास ना कोई अचीवमेंट ना कोई कुछ नहीं पता था मुझे गेम के बारे में, सब कुछ पिताजी ने बताया. नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है. सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह चिंसा के स्कूल कॉलेज के बारे में एक्चुअली सच्चाई जानने के लिए वहाँ पढ़ने वाली लड़कियों से बातचीत करते हैं कि उनका क्या मानना है. आपको क्या वो बताना चाहती हैं अपने स्कूल कॉलेज के बारे में? नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरप्रीत इंसा है. गुरप्रीत इंसा जी, कौन सी क्लास में स्टडी कर रहे हो? मैं प्लस वन आर्ट्स में स्टडी कर रही हूँ. इस स्कूल में मैं 5th क्लास से हूँ. कौन से स्कूल में मैम अभी स्टडी कर रही हूँ? मैं शास नाम जी गर्ल्स स्कूल सिरसा हरियाणा में स्टडी कर रही हूँ इस टाइम. और साथ में मैम स्पोर्ट्स में भी आपने? हाँ जी. कौन सी गेम है? मेरे पास थ्रो बॉल है और मैंने 3 नेशनल खेले हैं एट प्रेजेंट. दो में मेरे गोल्ड हैं, एक में पार्टिसिपेशन है. सिर्फ ये सब पिताजी के करके है. मेरे को कुछ नहीं आता था, मेरे पास ना कोई अचीवमेंट ना कोई कुछ नहीं पता था मुझे गेम के बारे में, सब कुछ पिताजी ने बताया. आज तक मैंने कुछ ऐसा सोचा भी नहीं था मैं अपने देश के लिए अपने मम्मी पापा के लिए कुछ ऐसा कर पाऊँगी. बस कोच कौन है मैम आपका? हमारे कोच पापा कोच, बस पिताजी हैं और कोई नहीं. बस स्कूल मैनेजमेंट है, सारे हमारे पिताजी के करके, सब कुछ हमारे पिताजी के करके और कुछ नहीं है हमारा. कभी आपने सोचा था अभी आप नेशनल लेवल तक आप गोल्ड मेडल हासिल करेंगे? मैंने ऐसे कभी भी नहीं सोचा था, मुझे कुछ पता ही नहीं था गोल्ड का. मुझे ये होता था ये क्या होता है, क्यों खेलते हैं ऐसे लोग. बस ये जब से स्कूल में आई हूँ तब मुझे पिताजी ने बताया, यहाँ पे हमारे कैंप लगता होता था तब हमें पता लगा भी ऐसा ऐसा भी होता है. तब पिताजी ने हमें कहा भी बच्चों को गेम्स में भी होना चाहिए, ऐसा बताया. तब थोड़ा हुआ भी हम भी गेम लेते हैं, तब पिताजी ने बताया भी ऐसा ऐसा. तो फिर बस पिताजी के करके एट प्रेजेंट मैं नेशनल खेल पाए थे. मैम आप सिर्फ गुरुजी की वजह से या फिर आपके पेरेंट्स का टारगेट था अभी आपको नेशनल तक लेके जाना है? मेरे पेरेंट्स का कोई टारगेट नहीं था. मेरे पेरेंट्स का सिर्फ ये था भी मैं अपने डेरे वाले स्कूल में पढ़ूँ, अच्छी शिक्षा लूँ, सारे बच्चों की तरह जैसे देखते थे इतने अच्छे बच्चे होते हैं, सारों की केयर करते हैं, छोटे छोटे बच्चे हर किसी की केयर रिस्पेक्ट करते हैं, इतना कुछ करते हैं. इसी वजह से मेरे मम्मा और ये इतनी दूर रहते थे यहाँ पर पिताजी को पढ़ने के लिए, इतनी दूर से पढ़ने के लिए आए यहाँ पे. तो करके मैंने भी सोचा भी मैं भी अपने मम्मी पापा के लिए अपने पापा कोच के लिए कुछ करके दिखाऊं. आपने स्कूल कॉलेज में बचपन से स्टडी किया है, कैसा आपको माहौल लगता है स्कूल कॉलेज का? ऐसा घर से भी ज़्यादा अच्छा माहौल है वहाँ पर. ऐसा इतना सेफ है, पता नहीं कैसे लोग कैसे पिताजी पे इतना गंदा इंजाम लगा दिया. ऐसे होता है भी ऐसे कैसे बोल दिया. और कोई स्कूल कॉलेज में ऐसा कुछ इन्वायरमेंट होता ही नहीं होगा जैसे एक नए बच्चे के साथ होता है. हमारे स्कूल में पता नहीं क्या कुछ होता है, इतना अच्छा होता है ना, कोई इमेजिन तक नहीं कर सकता भी इतना अच्छा होता है. छोटे छोटे बच्चे जहाँ पे नए बच्चे आते हैं उनका वेलकम होता है, उन्हें टिक्का लगा के लड्डू खिला के उनका वेलकम किया जाता है. और हमारे स्कूल में इतना कुछ है ना, कुछ कह नहीं सकती. आज तक अभी तक ना मेरा यही टारगेट है, मैं कभी ना, अब मैं प्लस वन में होगी, मुझे ये अगले साल मेरी प्लस टू हो जाएगी, मुझे ये मेरे को स्कूल छोड़ना पड़ेगा. क्यों छोड़ना पड़ेगा? मैं सोचती हूँ कॉलेज भी यहीं से ही करूँगी, इससे अलावा मैं कहीं और तो जाना ही नहीं चाहती. डेरे के बाहर तो मैं कहीं जाना ही नहीं चाहती. बाहर जाते हैं मैं सारा कुछ देखते हैं, हम सारे स्कूल वगैरह देखते हैं. हमारे स्कूल जैसा बाहर ना कोई स्कूल है ना कोई इन्वायरमेंट है हमारे स्कूल जैसा, कहीं इतना अच्छा कहीं भी नहीं है. मैम आपके स्कूल कॉलेज में हॉस्टल में गुरुजी आते होंगे? हमारे पिताजी आते थे, हमारे पिताजी एक एरिया में आते थे, हॉस्टल में नहीं, हमारे ग्राउंड में बच्चों को मिलने आते थे, बच्चों की सेहत पूछते थे कैसे हैं बच्चे, मैनेजमेंट को पूछते थे कैसा चल रहा है सब कुछ. बस बच्चों से ही पूछते थे, बच्चों के साथ हंसते खेलते थे और बच्चों को बताते थे. ट्रीट कैसे करते थे मैम आप लोग? हमें पिताजी इतना अच्छा ट्रीट करते थे, बच्चों को बताते थे बच्चों कैसा आपकी स्टडी कैसी चल रही है, पेपर टाइम पेपर्स की टिप्स पढ़ाते थे, बताते थे हमें ऐसे पढ़ो ऐसे खेलो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है बताओ हमें, अगर आपको खेलने में कोई प्रॉब्लम है हमें बताओ. जैसे हम कोई प्रॉब्लम बताते साथ के साथ सलूशन मिल जाता था हमें. बस हमारे पापा कोच ही थे और कोई नहीं. मैम उनके करैक्टर के बारे में क्या कहोगे? हमारे पापा कोच के जैसे करैक्टर
किसी का नहीं हो सकता इस वर्ल्ड में, इतना अच्छा करेक्टर, सब कुछ है हमारे पापा हमारे लिए और कुछ नहीं। इतना इतना रिस्पेक्ट, इतनी आस्था क्यों? बस जो सच होता है वही कह सकते हैं, झूठ है झूठ को तो कुछ कह ही नहीं सकते। जो इतने एलिगेशन उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं सब कुछ झूठ है ये। ऐसा क्यों लगता है आपको? जो छोटी होती से सब कुछ देखा है, किसी के साथ ऐसा कभी हुआ ही नहीं, हो ही नहीं सकता, इमेजिन तक नहीं कर सकते वहाँ पे ऐसा कभी कुछ हो सकता है, तो वो तो सच्ची है, फिर हो ही नहीं सकता कभी ऐसा कुछ। फिर एक्चुअली में क्या गुरुजी ने सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट किया? हमारे पापा ने पूरे देश के लिए इतना कुछ किया है, पौधारोपण किए हैं जो कि एट प्रेजेंट इसी दिवाली देखने वाला था भी कितना पोल्यूशन हो रहा है यहाँ पे वर्ल्ड में, अपने इतना पोल्यूशन हो रहा है, सांस लेने को जगह नहीं आ रही, किसी को मिल नहीं रहा कुछ भी। और एट प्रेजेंट हमारे पिताजी ने हमें फिर भी ये कहा, भी जब हमारे पिताजी पे इतने एलिगेशन भी लग गए, फिर भी हमारे पापा ने ये नहीं कहा भी हमें कुछ ऐसा करो भी, लोगों को बुरा बोलो भला बोलो, हमारे पिताजी ने ये बोला जो सरकार कह रही है वही मानो। हमने फिर भी पिताजी के कहने पर इतने पौधे लगाए, हर इस पे हर 29 अप्रैल पे हमने इतने पौधे लगाए ताकि सारे मानवता की भलाई हो। और यहाँ पे हर बार सारों का ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा भलाई करने की कोशिश की जाती है, किसी गरीब को ज़्यादा से ज़्यादा उसकी हेल्प की जाती है। 3-4 साल हो गए हैं अब नहीं है गुरुजी सोसाइटी में, समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है? समाज में ज़्यादा से ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं लोगों में, उनमें ना तो कोई किसी में यूनिटी है, ज़्यादा से ज़्यादा लड़ाइयाँ करी जा रहे हैं, किसी पे भी इतनी ज़्यादा बीमारी फैल रही है एट प्रेजेंट। और फिर भी हमारे सेवादारों पर इतने भी एलिगेशन, हमारे एट प्रेजेंट सेवादारों पर भी एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, फिर भी मना नहीं कर रहे भलाई करने के लिए किसी की, फिर भी मास्क वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा घर पे बैठे सेवा कर रहे हैं, फिर भी ऐसा होता है भी हम हेल्प करें किसी की। हमारे पिताजी ने हमें यही सिखाया भी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करो किसी की, तुम ज़रूरत है सोसाइटी को, बोलो जी सोसाइटी को इतनी ज़रूरत है, सोसाइटी को क्या पता, हमें पता है, हम फिर भी हेल्प कर रहे हैं लोगों की, हमें ये नहीं है अभी हमें हमारे पिताजी चले गए, हमें ये अभी लोगों ने हम फिर भी उनकी हेल्प कर रहे हैं, फिर भी उन्होंने इतने गंदे एलिगेशन लगाए हमारे पिताजी पे। क्या मांग करोगे सरकार से? यही मांग है हमारे पिताजी को वापस भेज दो बस, जिन पे इतना झूठ। डेमोक्रेसी किस चीज़ की है यहाँ पे? डेमोक्रेसी जहाँ पे कोई राइट ही नहीं मिल रहा बंदे को, झूठ बोल रहे हैं सारा कुछ, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो आम जनता से क्या अपील करोगे जिन्होंने मीडिया के द्वारा जाना है आपके स्कूल कॉलेज को, हॉस्टल को, डेरा सच्चा सौदा को, गुरुजी को? मीडिया तो कुछ जान ही नहीं पाई हमारे स्कूल के बारे में, हमारे स्कूल में हुआ क्या है, सिर्फ उन्होंने तो वीडियो बनाई है, वीडियो भी क्या बनाई है उन्होंने, सिर्फ एरिया देखा है, एरिया देख के थोड़े ना सब कुछ होता है, जज ऐसे थोड़े ना किसी को सीधा जज किया जाता है, ऐसी सोसाइटी है यहाँ पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर पूछोगे तो ही कुछ पता लगेगा, ऐसे सीधा जज करने से तो कुछ भी जज नहीं कर पाएंगे। आप लोगों से किसी से पूछा नहीं गया मीडिया ने? हमसे कुछ भी नहीं पूछा गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों आपको दिखा रहे हैं हम उन लड़कियों से सीधी बातचीत जो डेरा सच्चा सौदा के हॉस्टल में पढ़ती हैं, रहती हैं, और आज इन्होंने देश में ये नंबर वन है। इनका मानना है कि सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जी इंसान ने इनको स्पोर्ट्स में भी कोचिंग दी है और एलिगेशन झूठे हैं। फिर क्यों बदनाम किया गया, क्यों मीडिया ने ऐसी खबरें दिखाई इन बेटियों के बारे में? ये सवाल कर रही हैं ये बेटियां जनता से, मीडिया वालों से, और मांग कर रही हैं सरकार से कि इन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जी इंसान को इंसाफ मिलना चाहिए। यह मांग है समाज के लोगों की, बेटियों की लगातार बढ़ती जा रही है। आप लोग खुले दिमाग से सोचिए आखिर सच क्या है, वो चंद सूत्र जा वो बेटियां जो बचपन से डेरा सच्चा सौदा के स्कूल में पढ़ रही हैं, बहुत नज़दीक से गुरु जी को जानती हैं और ये आज समाज के सामने चीख चीख कर बोल रही हैं। आप लोग अपनी राय डालते रहिए कमेंट बॉक्स में, देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ देने के लिए सोच को, सच की सोच को, सच की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।